राधे राधे बोलेंगे। चलो तुषि उठो बेटा, उठो उठो। उठो, 6:30 हो गए, 6 बजे उठना था यार। दो मिनट नहीं कर ली, मैंने बोला था ना 5 मिनट 5 मिनट मत करना, आज तुम 2 मिनट करने लग गए हो। 2 मिनट में उठ जाओ जल्दी से, हैं? फिर मुंह हाथ धो के चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहा है सुबह के 6:30 एंड आज पापा ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया, बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे अपना रूटीन ठीक करना है, मुझे वीडियोस बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, तो अपना रूटीन ठीक करते हैं पहले। एंड मम्मा इज ऑल्सो हियर, आवर मॉर्निंग पर्सन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ चुके हैं पार्क में, ये वाला पार्क एकदम ह्यूज है, तो आज हम यहाँ पे अपनी वॉकिंग करने वाले हैं। उल्टा घुमाओ। मुझे अकेला छोड़ के ये लोग वॉक पे चलेगा और इन लोग को रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि मैं आई नहीं इन लोग के साथ, मैं तो छुपके से देख रही हूँ, तो ये लोग चले जा रहे हैं, अपनी वॉक कर रहे हैं। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो। भाई मुझे तो बैठने दे। गाइस मैंने पार्क में नया फ्रेंड बनाया, ये तो बहुत छोटा है, इसके खिलाने, तुम्हारे खिलाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आता ये मंकी बार में लोग ऐसे ऐसे कैसे कर लेते हैं, मेरे हाथों में तो बिल्कुल जान ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसे ऊपर गाइस छेड़ा छाड़ी हो रही है मेरे साथ पार्क में, अलग ही मम्मी बंदर हो रही है हमारी। आई कांट, मेरे हाथों में वो जान नहीं है अभी भी। अभी देख रहे हो गाइस, आज जिम करके ढोला देख रही हूँ। Are you scared of me? ना ना, हड्डी आ रही है इसकी बाहर, ये देखो। भाई नहीं, मसल है गाइस, मसल। हड्डी है ये पूरी। नहीं, उसे मसल कहते हैं, वो प्लीज यार बेइज्जती होती है। कार्टिलेज बोन है ये इसकी। एक दिन जिम जाके, सारे लड़के ऐसे ही करते हैं ना, तो हम लोग एक दिन जिम जाके फ्लैक्स। भाई साहब मैं तो कर ही नहीं पाई थी, पापा ने तो 2 मिनट में अपनी टांगे अटका लिया। वाह यार, पापा तो बहुत फिट है। उई, उई, गिर मत जाइए तुझे। इसने आपको पैर फंसाने। अरे हाँ, रहन दे रहन दे, छोड़ दे भाई, गिर जाएगी कहीं। मैं जा रही हूँ। आप इसको काम करो। पागल हो गई है ये, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। चप्पल पहन के इसकी एक्सरसाइजेस हो रही है। अरे यार मैंने दिमाग पापा की भी छोड़ के जूते पहन के, देखते हैं मैं इस पोल के नीचे से ऐसे करके जा सकती हूँ। ये हाथ लगा दिया, ऊपर भी हाथ लगाया, नीचे भी हाथ लगाया।
थोड़ा एक दो दिन की प्रैक्टिस में दूसरे दिन एकदम फ्लुएंट हो जाऊंगी इसमें, एकदम प्रॉपर। थोड़ा सा रह जा रहा है बार बार। गाइज हमारा सारा वर्कआउट हो चुका है डन एंड नाउ वी आर हेडेड होम। पापा ने फटाक से अपना पेट अंदर कर लिया और मेरे डोले भी आ चुके हैं। ये सिक्स पैक सैब्स तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, अंदर सिक्स पैक सैब्स आ चुके हैं। अच्छा लग रहा है ना, आई फील सो फ्रेश और मतलब ऐसा लग रहा है कितने टाइम बाद मुझे एकदम अच्छे से ऑक्सीजन मिली, तो बड़ा मजा आ रहा है। सुबह सुबह आई एम हैविंग अ रियली गुड टाइम। सो गाइस घर पहुंच के हमने नहा धो लिया था, हम पूरा फ्रेशन अप हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया एंड अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। बट कॉलेज जाने से पहले एज यू नो आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, तो हमने सोचा है कि आज हम जाएंगे मंदिर। एंड गाइस सब टेक अ लुक, आज मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम सोनी कुड़ी। उसके बाद मम्मा पापा विल ड्रॉप मी टू कॉलेज। राधे राधे, हम पहुंच गए हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए एंड ये देखो पहुंच गए हम। चले अम्मा चलो। चलो हम पहुंच गए कृष्ण जी के मंदिर इस्कॉन एंड मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ, मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम फटाफट से दर्शन करके कॉलेज जाएंगे क्योंकि मैं बहुत मतलब लेट भी नहीं हो सकती ज्यादा, तो फटाफट से चलते हैं। चलो राधे राधे बोलेंगे, चलो। आज तो खाली भी है बहुत ज्यादा, इतना सुंदर, इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं ना। चन्ना अमृत का प्रसाद ले लो। सो गाइस मैंने राधे कृष्ण जी के दर्शन कर लिए हैं एंड मुझे प्रसाद में पंडित जी ने कमल का फूल भी दिया है, उसको मैं अपने पास रखूंगी एंड हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत इतनी शांति होती है ना, एकदम खाली था आज तो बहुत अच्छा लगा एंड हमने दर्शन कर लिए, अब चलते हैं घर। ओ घर कह रही हूँ, कॉलेज जाना मैं भूल गई, सॉरी। मैं कम आती हूँ ना, मतलब ऐसे मंदिर से कॉलेज कम जाना होता है मेरे से, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं बोल रही हूँ कि मंदिर में दर्शन हो गए, अब चलते हैं घर, मुझे जाना है कॉलेज। अरे उनके हाथ धुला दो, वो कह रही हैं, समझते ही नहीं। पापा कह रही क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। मम्मी ने साड़ी पहनी है ना, इधर गीला हो रहा है, मम्मी की साड़ी भीग जाएगी। मम्मा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। चलो अरे क्या, अब काम है तो करना पड़ेगा ना, अब मेरे को लाना है कैमरा, दिखाना है अपने मम्मी पापा को, अपने आप को तो दिखाएंगे। पर हम इधर कहाँ जा रहे हैं, तो नो एंट्री है, हम गलत आते, उधर से जाना है, हमें जाना है उधर से। उन्होंने हमें बोला इधर को आओ, हम इधर को आए पागल की तरह। मुझे लगा मैं, और यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी खुशबू भी है, मतलब एक अलग ही और अलग ही फ्रेग्रेंस है इस जगह की, पता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ऐसे धूप की खुशबू आ रही है, अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है, और वो जो खाना वो चन्ना अमृत और ये प्रसाद वगैरह बनता है ना, तो इसकी भी मतलब इसे बड़े अच्छी सी एकदम फ्रेश फ्रेश स्मेल आ रही है यहाँ पे, एकदम फ्रेश हो गया एकदम माइंड, ऐसा लग रहा है। Guys,
गाइज हमें हमारे बहुत सुंदर राधे कृष्ण जी के दर्शन हो गए हैं एंड अब हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। अभी मुझे कॉलेज भी जाना है, मैं ऑलरेडी थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, बट जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। सो चलते हैं कॉलेज। मम्मा चलोगे आज मेरे कॉलेज? आज मैं भी पढ़ाई करूँगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइज मैं अब पहुँच चुकी हूँ कॉलेज एंड मैं अंदर जा रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आज मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाने वाली कॉलेज के अंदर का, बिकॉज मुझे वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, मेरी क्लासेज होती हैं एंड कुछ खास हो नहीं पाता। So I'm sorry, but I'm going to end this vlog here. If you enjoyed it, please make sure to like, comment, share, and do subscribe to my channel. I will see you guys. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit.